हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और साथ में राम राम जी, क्योंकि कल किसी ने मुझे बोला था कि कभी कभी आप राम राम बोला करो, अच्छा लगता है। तो कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। अभी टाइम हो चुका है 11:15 लगभग बज चुके हैं, क्योंकि मैं गई थी 10:50 लगभग पे मैं नहाने गई थी। आज था सूर्य ग्रहण, तो सुबह से मैं नहाई धोई नहीं थी, साथ में कुछ खाया पिया भी नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसे ही होता है, अभी ग्रहण के टाइम पे, सूतक के टाइम पे हम खाते पीते नहीं है। सूतक अगर ज्यादा लंबा हो तो खा पी लिया जाता है, लेकिन ग्रहण के टाइम पे नहीं खाया जाता। वैसे तो सोच रही थी ब्लॉग बाद में ही स्टार्ट करूंगी, पहले रेसिपी शेयर कर देती हूँ, मतलब वेलकम बाद में करूंगी, लेकिन फिर मुझे याद आ गया मैं अपनी मिक्सी उठा के रखने वाली थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे किसी ने ना कमेंट करके बोला है, एक बार किसी ने पहले बोला था, उस टाइम मैंने नाम बता दिया था, लेकिन कल भी एक मेरे पास ये कमेंट आया था कि आपकी मिक्सी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्लीज आप अपनी मिक्सी का नाम बता दीजिए। तो मेरी मिक्सी यहाँ पे ये रखी हुई है, ये मैंने चटनी बनाने के लिए निकाली थी अभी, तो मुझे लगा चलो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। और अभी तक ये मैं इसको डिब्बे में ही रखती हूँ, हैवेल्स की है ये, और इस मिक्सी को लिए हो गया है 1.5 साल, 1.5 साल हो गया, और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, कहीं कोई भी अभी तक शिकायत का मौका नहीं मिला है। इसके जार भी खूब बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और ये यहाँ पे ये उबलने रख दिए मैंने आलू, कुकर में आलू उबल रहे हैं भाई, और ये है चटनी, चटनी की तैयारी कर रखी है इसमें, मतलब अभी पीसूंगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े, क्योंकि पता है क्या सोच तो रही थी कि देखती हूँ हरा साग और ब्रेड पकोड़े, दो ऑप्शन थे मेरे पास। साग पता नहीं इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरा इतना लेट हो गया, वरना मतलब बड़ी जल्दी 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 मैं जैसे आज काटा है ना सुबह, तो शाम को बन जाता है, शाम को काटा है तो सुबह बन ही जाता है, लेकिन इस बार 2 दिन बीच में गैप हो गया और मेरा हरा साग बन नहीं पाया, थोड़ा सा भूसा भूसा हो गया, लेकिन पता है मैंने कल ना उसको उबाल के रख दिया था कि वो खराब ना हो, अगर वैसे रहेगा, मतलब अगर मैं सूखा उसको रखूंगी तो भूसा भूसा ज्यादा हो जाएगा, होने ही लग रहा था, तो मुझे लगा आज रात वो रखा रहेगा तो ज्यादा भूसा भूसा हो जाएगा, और फेंकने का मेरा हरा साग बिल्कुल मन नहीं करता भाई, इतनी मेहनत लगती है उसको काटने में, इतनी मेहनत लगती है, और फिर करी कराई मेहनत पे खुद ही पानी फेर दो तो नहीं अच्छा लगता। और पीछे की वो जगह है ना जो मुझे बिल्कुल खाली खाली सी दिखाई दे रही है, और यहाँ का ये पिन उतर गया है, ये मैं लगाऊंगी और पता है क्या, वहाँ पे मिक्सी रखी रहती है, और मिक्सी जैसे आज उतरी हुई है ना, तो मुझे वो बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है। तो चलो अभी मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ, आलू वगैरह छील लेती हूँ, उबाल लेती हूँ, वो सब कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे ब्रेड पकौड़े आज मैं बना रही हूँ, बहुत सिंपल से तरीके से ही बनाने वाली हूँ वैसे तो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, इसमें मैंने मिक्स किया है, ये डाल दिया है नमक, हरी मिर्च कटी हुई, और अब मैं इसके बाद इसमें मसाले डालने शुरू करूंगी। मसालों में जो कि है जीरा पाउडर, ये जो मैं अभी डाल रही हूँ ये है 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर जो कि मेरा होममेड है, और ये है चाट मसाला, ये भी मेरा होममेड है, मैंने खुद से ही बनाए हैं दोनों चीज़ें। और अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा ये हींग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्ची हरी मिर्ची जो भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है वो रख सकते हैं। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया मेरा मोस्ट फेवरेट है मतलब उसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। प्याज मटर ये सब चीज़ें मैंने इसमें आज नहीं ऐड की है, क्योंकि बहुत सिंपल से तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने ब्रेड ले लिया है, क्योंकि आज मैं जल्दबाजी में ये सब बना रही हूँ, खाने का टाइम हो चुका था, नाश्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका था और लंच का टाइम रहता था, तो इसलिए बीच में मैं ये सब कर रही हूँ तो जल्दबाजी में कर रही हूँ। और यहाँ पे ये ब्रेड में आलू मैंने लगा दिया एक ब्रेड में, और दूसरे ब्रेड में ये जो ग्रीन चटनी मैंने बना के रखी है ये वाली लगा दी है, इस तरह से इसको कवर कर दूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो दूसरे ब्रेड पर आप टोमेटो सॉस लगा सकते हो, या बड़ों में भी कई बार ऐसा होता है कि जिनको नहीं पसंद होता तीखा फ्लेवर, तो उनके लिए भी आप किसी में टोमेटो सॉस किसी में ग्रीन ये चिल्ली सॉस कोई भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे ये मैंने इसको तिकोनी शेप में, मतलब सेंटर से कट कर दो आप तिरछा तो तिकोना तो अपने आप ही कट हो जाता है वो, तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड्स अपने भर के रख लिए हैं, 3 ब्रेड भर के रखे हैं, मतलब कि वो 6 हो गए। और यहाँ पे मैं इसको बेसन में डिप कर रही हूँ, सबसे पहले आपको जो हार्ड वाले किनारे होते हैं वहाँ से डिप करना होता है, और इसके बाद जो पार्ट आपने कट किया है वहाँ से, और फिर ऊपर और नीचे से आपको एक बार पलटा देना है। और ये गोल्डन कलर का मेरा हो चुका है एक तरफ से, डबल फ्राई मैं नहीं करने वाली क्योंकि डबल फ्राई का मेरे पास टाइम ही नहीं था, मुझे साथ साथ बस बनाते ही देने थे उनको,
मम्मी और वो दोनों ही इंतज़ार में बैठे थे। सूर्य ग्रहण के कारण आज खाना पीना लेट हो गया था मेरा, क्योंकि ग्रहण के टाइम पे हम बनाते खाते नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये अब मेरा बनके हो चुका है तैयार, और बस इसी तरह से मैं अपने सारे ब्रेड पकौड़े बनाती जाऊंगी। और आप देखिए मैं इसको किस तरह से निकाल रही हूँ, मैं कभी भी जार पौनी का इस्तेमाल नहीं करती, मैं इस तरह से ही निकाल लेती हूँ ब्रेड पकौड़े या और भी कुछ बनाती हूँ इस तरह की चीज़, समोसे जैसे, तो उससे आसानी हो जाती है। तेल ज़्यादा टपक जाता है, जार में तेल इतना नहीं टपक पाता, इससे हम दबा के तेल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा ब्रेड भी मेरा बनने को तैयार है, और बस सारे ब्रेड मेरे इसी तरह से बन जाएंगे। इसके बाद मैं और भर लूँगी जब ये वाले मेरे हो जाएंगे तो, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस, दो ब्रेड पकौड़े, ऊपर से डाल दिया चाट मसाला और चाय। तो लीजिए टेस्ट कीजिए। लो भाई खा लो, सब बच्चे अनार खा लो निश्चय का। फिनिशिंग बोल दो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्या होता है? ना था होता है अच्छा भाई साहब, ये अनार कैसा बना देता है हमको एक बार बता दो सबको। स्ट्रॉन्ग बना देता है, स्ट्रॉन्ग कैसा बना देता है बताओ। स्ट्रॉन्ग बना देता है अनार। इस गाड़ी की छत कहाँ गई? कहाँ गई छत? टूट गई भाई। कैसे टूट गई भाई? उनको बता दो एक बार मैं क्या हूँ। मुलत्तर बंटी मम्मा। मुलत्तर बंटी मम्मा। ना भी खिला दो। लो 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 भाई खाओ 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 जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कि आज बर्थडे है, 27 दिसंबर को उनका बर्थडे है, 826 है। तो उनको मेरी तरफ से भाई जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मोहित जाट के नाम से उनकी आईडी है, उनकी वाइफ वैसे कमेंट करती है लेकिन बर्थडे जो है वो मोहित जी का ही है, मतलब कि उनके हस्बैंड का। तो आपके हस्बैंड को भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की, खूब अच्छे से मनाइए, खूब अपना बर्थडे इंजॉय करिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मतलब अगर मैं किसी का नाम लेने में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, वैसे देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ तो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि जो मेरे मुँह से आपको अपना नाम सुनना अच्छा लगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए बोल देती हूँ कि चलो ठीक है आप लोग खुश हो जाते हो। लेकिन इनमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज बोलते हैं और कल ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपने नाम नहीं लिया, आपने नाम नहीं लिया। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, पेशेंस जिस इंसान में होता है ना, मेरी नज़र में वो सबसे अच्छा इंसान होता है। सब्र हर इंसान में नहीं होता, क्योंकि गम खाना और कम खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो छोटी सी बात थी, वैसे लेक्चर मैंने लंबा दे दिया। तो चलिए अभी निश्चय मेरे को आवाज़ लगा रहा है, टाइम हो चुका है शाम के लगभग 5 बजे का। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा बाजरा ले लिया है जिसका कि मैं हरे साग में जिसको डालने वाली हूँ। आप सब जानते ही हो कि मैं हरे साग में बाजरा ज़रूर डालती हूँ दरदरा सा कूट के, तो यहाँ पे बस उसी को मैं रगड़ रही हूँ। वैसे तो साग तो देखो मतलब पहले उबाल के रखा हुआ है, मैंने हल्का उबाल के रखा हुआ है, आधा उबाल के रखा हुआ है मतलब कि, और आधा अभी लहसुन हरी मिर्च और ये बाजरा डाल के अच्छी तरह से उबाल दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ मैंने इसलिए उबाला था कि वो ख़राब ना हो जाए, उबला हुआ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे ये भाई साहब आ चुके हैं और आप देख सकते हो इसको तो बीच में टांग अड़ानी ही होती है, मतलब कुछ भी कर लो इसको सबसे पहले वो काम करना होता है। और यहाँ पे ये शाम का टाइम है, मैं अपनी ये बाल्टियाँ भर के उठा के रख रही थी, कैमरा मैं ऑन करना भूल गई थी पहले, इससे पहले मैंने पूरा काम कर लिया था और कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। मैं तो ट्राइपॉड को जब उठाने गई वापस तब मुझे याद आया अरे कैमरा तो ऑन किया ही नहीं। और बस ये टंकी यहाँ पे पाइप मैंने लगा दिया है, ये मेरी भर जाएगी, तब तक कि मैं जो अंदर बाल्टियाँ होती हैं ना मेरी बाथरूम वाली उनको उठा उठा के रख के आ जाती हूँ। और ये मेरा दूसरे तीसरे दिन का रूटीन होता ही है। और यहाँ पे ये मैं चेक करने के लिए आ चुकी हूँ, बाथरूम की बाल्टियाँ तो मुझे डेली ही भरनी होती हैं लेकिन जो ये टंकी है ना ये मुझे तीसरे एक दिन मतलब धो के साफ़ करके अच्छे से और भरनी ही होती है। कभी कभी मैं इसमें सर्फ़ डाल के भी साफ़ कर देती हूँ जब ये मुझे नीचे से काई काई सी या गंदी सी लगती है,
क्योंकि खारा पानी है तो काई या फिर रेल लगने का डर रहता ही है। ये है मेरी रात के खाने की थाली, जिसमें है बाजरे की रोटी, हरा साग, मिर्च का अचार और गुड़। मिर्च का अचार सिर्फ मैंने ही लिया है, क्योंकि मैं हूँ मिर्च की चटोरी, और बाजरे की रोटी मैं एकदम परफेक्ट तरीके से तो नहीं बना पाती, लेकिन हाँ ये है कि अपने गुजारे लायक बना लेती हूँ, अपने गुजारे लायक कमा लेती हूँ आप कह सकते हो। ज़्यादा तो मुझे मतलब एक्सपर्ट तरीके से मैं नहीं बना पाती। पता है क्या, इस टाइम आते आते ना मैं डेली देखती हूँ, मेरी आंखें लाल हो जाती है और सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश उठती हूँ, और देखो यहाँ से ये भी मतलब ये चीज़ भी थोड़ी थोड़ी रेड होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं कोल्ड की शिकायत हो जाती है, पता नहीं क्या इस टाइम। और वैसे कुछ उठपटांग मैंने खाया भी नहीं भाई, अभी हरी सब्जी और बाजरे की रोटी खाई थी, लेकिन फिर भी लस्सी दही वगैरह कभी नहीं खाते मतलब रात के टाइम पे, फिर भी पता नहीं क्यों उस टाइम आते आते मेरी आंखें एकदम से लाल हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है दूसरे इंसान को जैसे तो रोई रोई सी जैसे तो मन भर के रोई हूँ मैं। और एक मिनट, और पता है क्या, आज दिन में जो ब्रेड पकोड़े बना लिए थे ना, वो इतने हैवी हो गए थे, इतने हैवी हो गए थे कि मेरे को तो ना सांस लेना भारी हो गया था बड़ी मुश्किल से। और मैंने दो ही ब्रेड पकोड़े खाए थे, दो ही कह रही हूँ, आप सोचोगे और क्या 10 खाती दो ही ब्रेड पकोड़े खाए थे। तो पता है क्या, घर के बने हुए वैसे खा लिए जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मार्केट वाले तो नहीं खाए जाते, लेकिन ये जो ब्रेड पकौड़े होते हैं ना टेस्टी तो मुझे बहुत लगते हैं, लेकिन इनमें ऑयल ना, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो आप, चाहे कितना भी इनको, आपने देखा था मैंने किस तरह से टपका के निकाला था, और फिर उसके बाद टिश्यू पेपर पे भी खूब सारा तेल इनका निकाल लो बेशक, लेकिन होता नहीं, मतलब इसमें तेल रह ही जाता है। तो इस वजह से आज थोड़ी सी मुझे दिन में शिकायत हो गई थी, मतलब पेन सा होने लग गया था हल्का हल्का, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। मैंने कहा भाई आज तो मैंने अपनी जान को आफत ले ली, दो ब्रेड पकौड़े खा, अजीब सा हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, अब तो मतलब बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, वरना मैं रात को खाना भी नहीं खाती अगर ठीक नहीं हो पाती तो। लेकिन फिर हरा साग जो मैं आपको बता रही थी कि रखा है रखा है रखा है, बनाने के बसर रखा था, मतलब कटा पिटा रखा था और उबाल भी दिया था मैंने, तो अभी मैंने वही बनाया था, आपने देखा ही था। और बाजरे की रोटी का ऐसा है, देखो मुझे ना बिल्कुल प्योर मतलब खाली बाजरे की रोटी तो नहीं बनानी आती, लेकिन मैं आटा मिक्स करके अच्छी बना लेती हूँ, बिल्कुल पतली पतली बना लेती हूँ, करारी करारी आटा थोड़ा सा चाहे मिक्स हो जाए उसमें, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो खूब बढ़िया रोटी बनी थी, मतलब दो रोटी खा के ना मेरा मन खुश हो गया। बाजरे की रोटी शादी से पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब खा लेती हूँ, पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं भाती थी। और अगर किसी को नहीं भी आती है ना बाजरे की रोटी बनानी, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो मुझे बताई थी मेरी बुआ ने, मतलब कि फूफस ने, इनकी बड़ी बुआ जी ने सिखाई थी वो ट्रिक मेरे को। तो जब पहले मुझे नहीं आती थी तब मैं ऐसे कर लिया करती, लेकिन अब तो मैं बना लेती हूँ। तो अगर आप में से किसी को जानना है कि वो क्या ट्रिक है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए मैं आपसे कल मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस गपशप को यहीं पे बंद कर देती हूँ, और तब तक के लिए आपको पता ही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन बना आता है ना, आप लोग उसको शायद से क्लिक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइबर तो गेन हो जाते हैं लेकिन आपके पास फिर नोटिफिकेशन नहीं जाती, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब के साथ साथ प्रेस ज़रूर किया करो। मैं आपसे कल मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।